लोग सबको अच्छा से खींचा फोटो, बोटिंग करके आए। आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ पंचायत डैम, जो मेरे घर से लगभग 70 किलोमीटर के दूरी पे है। तो मैं जाके दिखाऊंगा वहाँ पे किस तरह का डैम है, किस तरह का पार्क है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग अभी नया मोड़ में हैं। देख सकते हैं ये मेरे दोस्त हैं, साथ में जा रहे हैं। ये है सौरभ और उधर विशाल और सौरभ, लोग सब कोई हम लोग साथ में जा रहे हैं। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर और होगा पंचायत डैम। गाइस जैसे कि देख सकते हैं आप, हम लोग पंचायत डैम पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं यहां का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। तो गाइस चलिए आगे का सीन आपको दिखाते हैं, किस तरह का आगे में सीन है। तो वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं हम पंचायत डैम पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं नीचे में उतरे हैं, यहाँ का पार्क पीछे साइड में है। तो वहाँ पे अभी मैं जाके आपको दिखाऊंगा किस तरह का ये पार्क है। और देख सकते हो ऊपर वो साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं वो साइड में झील है। देख सकते हैं ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्हीं के साथ मैं आया हूँ। हाँ तो गाइस देख सकते हैं ये है नेहरू पार्क, काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पे काफ़ी लोग पिकनिक मनाने आए हैं। जनवरी के टाइम में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पिकनिक मनाने, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा भीड़ रहता है, पर आज बहुत ही कम भीड़ है। तो ये है पार्क का सीन कुछ इस प्रकार का। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आगे का भी कुछ सीन इसी तरह आपको दिखाता रहूँगा। हाँ तो गाइस मैं अभी ऊपर में हूँ। देख सकते हैं नीचे का पार्क का सीन कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी सुंदर लग रहा है पार्क। तो चलिए आगे का वीडियो आपको दिखाते हैं। हाँ तो गाइस अब हम लोग चलते हैं बोटिंग करने के लिए और आपको नीचे का सीन दिखाएंगे कुछ किस प्रकार का सीन है नीचे का। हाँ तो गाइस देख सकते हैं हम लोग बोटिंग करने के लिए नीचे उतर चुके हैं।
हाँ तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मैं वापस घर जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।